Today we will discuss about nervous system. नर्वस सिस्टम में दो चीज है, ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन सपोज दिस इज आवर ब्रेन, ये ब्रेन है। ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है? डेलिकेट ऑर्गन मतलब कि इसे इसे बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भगवान ने खोपड़ी दी है, खोपड़ी जिसे स्कल बोलते हैं, स्कल। बट बायोलॉजिकल टर्म इट इज नोन एज क्रैनियम। ये क्रैनियम से ब्रेन क्या होता है, कवर होता है, और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ठीक है। ब्रेन का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, इंसेफेलॉन। ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? इंसेफेलॉन, याद रखिएगा। द सेकेंडरी नेम ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इंसेफेलॉन। उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा नाम है माइलॉन, ओके। अब पढ़ते हैं कुछ ब्रेन के बारे में फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन, फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ऐसा देखा जाता है कि ब्रेन इज मोर फास्टर देन ए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है 25,000 से लेकर के 35,000 तक इमेज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बट आवर ब्रेन कैन स्टोर 25 करोड़ इमेज, 25 करोड़ इमेज। ब्रेन में 70,000 थॉट्स पर डे आते हैं। ये नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव थॉट हो या न्यूट्रल थॉट हो, हम अपने ब्रेन का 4% ही यूज करते हैं। 4% ब्रेन इज यूज्ड, 4% ऑफ द ब्रेन इज यूज्ड, ठीक है। मरने के बाद ध्यान देंगे, मरने के बाद जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन वो 7 मिनट तक जिंदा रहता है, मीन्स एक्टिवेट रहता है, उसके बाद इट विल डाई। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट आर स्टोर्ड इन ब्रेन, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स या लिपिड, इसे में एनर्जी मिलती है। जब अब देखते हैं, जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो एनर्जी कितना निकलेगा, 4.3 से लेकर के 4.5 ग्राम। जब 1 ग्राम प्रोटीन टूटेगा तो 4.5 कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड 1 ग्राम लिपिड टूटेगा तो 9.3 कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी हमें कौन दे रहा है, फैट या लिपिड। और ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट इज स्टोर्ड इन वेयर, ब्रेन। इसलिए ब्रेन को हम लोग फैटेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं। फैटेस्ट ऑर्गन इज नोन एज व्हाट, ब्रेन, ठीक है। अब बात आती है कि एक टर्म सुने होंगे कोमा, कोमा, सीओ की, आदमी कोमा में चला गया। कोमा का मतलब होता है बायोलॉजिकल डेथ, वो आदमी मर गया, मतलब कि उसका 70-75% ब्रेन जो है काम करना वो क्या हो गया, खत्म। कोमा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है डीप स्लीप, इसका मतलब होता है डीप स्लीप। कोमा मीन्स डीप स्लीप। अब ये सब ब्रेन के बारे में फैक्ट है, और भी फैक्ट है ब्रेन के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि वेट कितना होता है, एक बार डिस्कस करते हैं ये ब्रेन फैक्ट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ये सुपर कंप्यूटर कैन स्टोर 25,000 to 35,000 इमेज, बट आवर ब्रेन कैन स्टोर 25 करोड़ ऑफ इमेज। तो हमारा ब्रेन ज़्यादा पावरफुल हुआ। 17,000 थॉट्स क्या है पर डे, 4% ब्रेन इज यूज्ड। जो आइंस्टीन थे उनका 4.5% माना गया, आइंस्टीन और न्यूटन का। मरने के बाद ब्रेन 7 मिनट तक एक्टिवेट रहता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो इतना एनर्जी, और ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ब्रेन, दैट्स वाई मैक्सिमम। एंड हमने अभी देखा कि फैट क्या है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट आर स्टोर्ड इन ब्रेन, सो इट इज़ नोन एज व्हाट, फैटेस्ट ऑर्गन। वेट
वेट जो होता है ब्रेन का, वेट चाइल्ड का, ब्रेन ब्रेन का वेट चाइल्ड में ये होता है 300 से लेकर के 400 ग्राम, 300 से लेकर के 400 ग्राम। अगर आप बात करते हैं एडल्ट में, तो एडल्ट में मेल और फीमेल देखते हैं, मेल और फीमेल, मेल का जो वेट है 1450 ग्राम और लड़कियां का 1350 ग्राम। ब्रेन का वेट कम है लड़कियों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की का दिमाग कम होगा, ये दिमाग से निकाल दे, क्योंकि लड़की का पूरा बॉडी वेट भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए ब्रेन का भी वेट क्या होगा, कम होगा। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ब्रेन ज़्यादा भारी है तो ज़्यादा दिमाग होगा, इस बात को ध्यान रखें। ऐसा बोला जाता है 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। चलिए अब ध्यान देते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज वेट ऑफ ब्रेन बताइए, तो एवरेज वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट 1400 ग्राम। ओके, अब सबसे ज्यादा ब्रेन को कौन सा मिनरल चाहिए, तो रिमेम्बर ब्रेन रिक्वायर मिनरल सोडियम, क्या चाहिए, सोडियम। वाटर की रिक्वायरमेंट ब्रेन को 75% है, ध्यान दीजिएगा, मीन्स ब्रेन रिक्वायर 75% ऑफ वाटर और 20% ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल चाहिए, इसीलिए क्या चाहिए, 20% ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके ओके, ऐसा माना जाता है कि 25 साल के बाद जो ब्रेन है हमारा डेवलप होना, मतलब कि ब्रेन का पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, मीन्स आफ्टर द एज ऑफ 25 द ब्रेन बिकम वेल डेवलप्ड। इसीलिए इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि जो भी एक आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 25 से 26 साल के बीच में ही IAS ऑफिसर्स पाए जाते हैं, क्योंकि 25 साल तक दिमाग एकदम मैच्योर हो जाता है। अब पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, और जो इसका इलाज करेगा उसे बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। देखे होंगे डॉक्टर के पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो भी, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। अब ये जो ब्रेन जो है सेफ रहता है किस में, बताए थे क्रेनियम में, इसे खोपड़ी बोलते हैं, और क्रेनियम में आपसे पूछ लेगा कितने बोन्स होते हैं, तो 8 बोन्स। ओके, 8 बोन्स आर फाउंड इन क्रेनियम, और इसमें पूछ ले कैसा ज्वाइंट होता है, ये ब्रेन किस ज्वाइंट से जुड़े हुए होते हैं, तो फाइबरस ज्वाइंट, एंड फाइबरस ज्वाइंट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट इन आवर बॉडी। ठीक है, अब ये क्रेनियम हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट अ क्रेनियम। क्रेनियम के बाद ब्रेन जो है इसमें 3 लेयर से कवर होता है, 3 लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड वॉट अ थर्ड लेयर। ये जो बाहर वाला है इसे हमने क्या बोल दिया, क्रेनियम, और ये जो तीनों लेयर है, ये जो 3 लेयर आपको दिख रहा है, ये तीनों लेयर इसे बोलते हैं, तीनों लेयर को मिला करके मेनिंगस, मेनिंजस, ये 3 लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजस। अब ध्यान दीजिएगा, अब सुने होंगे कि मेनिंजस में अगर ये जो पतला पतला सा स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को कवर करे हुए रहता है, जिसे मेनिंजस बोलते हैं, अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, या तो इन्फेक्शन ड्यू टू वायरस और बैक्टीरिया, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। या आदमी कहाँ पे भी जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है। एक बात बताता हूँ हिस्ट्री का, जो राजा राम मोहन रॉय जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन रॉय, इनकी जो डेथ हुई ड्यू टू मेनिंजाइटिस, इनकी जो डेथ हुई है ड्यू टू मेनिंजाइटिस। अब देखते हैं ये जो 3 लेयर है जो ब्रेन से अटैच होता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उस तीनों लेयर का नाम क्या है, चलिए देखते हैं एक एक करके, चलिए देखते हैं 3 लेयर ऑफ द ब्रेन के बारे में।
ये जो बाहर वाला आप देख रहे हैं, ये जो बाहर वाला लेयर, इसे बोलते हैं डोरा मीटर। क्या बोलते हैं? डोरा मीटर। ये जो है आउटर है। इसके जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसे बोलते हैं आर्केनोइड मीटर। ठीक है, और जो लास्ट वाला है, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, कोई बता पाएगा? इसे पाया मीटर बोलते हैं। ये इनर हो गया, दिस इज द इनर पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये जो पाया मीटर है, यहीं पे पाए जाते हैं क्या? ब्लड वेसल्स प्लस न्यूरोन। ओके, अब ये न्यूरोन क्या बला है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।